कृष्णा जी, हाँ जी, सारे रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं, माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, बुआ वगैरह सब लोग। एक रिश्ता होता है जो हम खुद बनाते हैं, दोस्ती का। कई लोग हालांकि मर्जी से शादी भी करते हैं और बाद में झूठ बोलते हैं कि मैं और मेरी वाइफ तो हम लोग वी आर लाइक फ्रेंड्स। ऐसा नहीं होता, पूछो क्यों? क्योंकि दोस्त को तो आप बता सकते हो कि मुझे पड़ोसन अच्छी लगती है। बीवी को बता सकते हो आप? बीवी को बता के देखो, मुंह में हाथ डाल के कलेजा ना निकाले तो कहना तुम्हें पड़ोसन अच्छी लगती है, हैं? उसी शादी कर लेते, कर लो बच्चे उसी के पैदा, मेरे को तो पहले ही पता था तेरा इंटरेस्ट नहीं है मेरे में। वो इतना भड़कती है, फिर वो पति के गुस्से गुस्से बच्चे पीट देती है, छोटे वाले को उठा के बड़े वाले को थप्पड़, चल 2 रुपए की कुल्फी लेके बाप का चमचा, चल कर पड़ोसन से शादी। आदमी कहता सांस ले ले, मैंने तो मजाक में कहा था, तू तो मुझे सपने दिखाने लग गई कि पड़ोसन से शादी कर ले। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि दोस्त दोस्त होता है, पत्नी पत्नी होती है। हालांकि मैं, मेरी वाइफ बहुत अच्छे दोस्त है। अच्छा, कॉलेज में जब आपका अफेयर चल रहा होता है, ये दोस्त ही होता है जो कमरे के बाहर खड़ा रहा, तू कर जुड़ी से बात में देख रहा हूँ। मतलब आपकी सरकार बनाने में पूरा हाथ रहता है उसका, लेकिन अगर गलती से उसकी भी नजर उसी कुर्सी पे हो, यानी उसी लड़की पे हो, तो वो फिर आपके शपथ लेने से पहले आपकी सरकार गिरा भी देता है और मौके पे टीचर को भेज के। अच्छा। वो जो अंदर मिली जुली सरकार चल रही होती ना, वो वही गिरवा देता है वो। इसलिए यार दोस्त जो कभी कभी उनको बोलते हैं कि दोस्त बड़े कमीने भी होते हैं। हाँ, होते हैं कभी। ये दोस्त होते हैं जब उनको पता चलता है कि मेरा दोस्त किसी के साथ मिलने जा रहा है, होने वाली भाभी के साथ, अपनी नई कमीज देंगे, तू ये पहन भाई, तेरा भाई स्मार्ट, तो ये पहन के जा। शादी के बाद अगर आपकी पत्नी को पता चले कि आपकी कोई खूबसूरत सेक्रेटरी आई है, तो नई कमीज तो छोड़ो, पुरानी पे भी परफ्यूम नहीं लगाने देती वो। तुम्हें कौन सूंघेगा वहां? चुपचाप काम करो, खराब ये सब होता है। दोस्त जो होते हैं, दोस्त बड़े मजेदार भी होते हैं, राजदार भी होते हैं। और आज हमारे बीच बॉलीवुड के 3 ऐसे दोस्त आ रहे हैं जिन्होंने एक से बढ़ के एक बेहतरीन फिल्में दी हैं। ये स्ट्रगल से लेके सक्सेस तक हमेशा साथ रहे हैं। चलिए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उन्हें मंच पे बुलाते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर सतीश कौशिक, मिस्टर अनु कपूर एंड मिस्टर रूमी जाफरी। वाओ, ये हो बाजी, वेलकम वेलकम आ गया बाजी, आइए सर। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। शुक्रिया। हाय अर्चना। हाउ आर यू डार्लिंग? अरे अर्चना जी नमस्कार। हाय अनु, हाउ आर यू? आई नो मी। कपिल जी, आपको याद है, पुरानी यादें फिर ताजा कर दी आपने यार। अर्चना। हाय सतीश। एकदम पूरन सिंह है एकदम। कंप्लीट सिंह। पिछली बार आप मुझे बोल रहे थे यार मुझे अर्चना को कुछ बोलना है, बात दिल में रह गई, तो मैं कहता हूं इससे पहले कि मैं एपिसोड शुरू करें, जो है आप मन का निकाल दो अभी। यार मेरे को डर लगता है परमीत से और कुछ नहीं। अरे तू परमीत की फिक्र ना कर, तू कह ही दे आज। भाई क्या कर? लव यू अर्चना, यू हैव बीन सच अ ग्रेट फ्रेंड। मेरे को बैकस्टेज बोल भी रहे थे, बोलते हम थोड़ा कम मिलते हैं। पहले तो अर्चना जब तैयार होती थी तो मुझे नीचे बिठा लेती थी, वहीं पे एक के बाल बनाती थी, ऐसे बोल रहे थे। पर हम सालों से, बहुत सालों से दोस्त हैं, और अनु आपको भी हम बहुत सालों से जानते हैं, और रूमी आपको भी। सो वेलकम ऑल थ्री ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली हमारे दर्शक सब जानते ही हैं, लेकिन 100-150 आदमियों में जितना टैलेंटेड होते हैं ना, जो वो 100-150 का टैलेंट इन 3 लोगों में ही है। एक्चुअली इतने वर्सेटाइल है। क्या बात है सर, आइए, बहुत बहुत स्वागत है सर। आओ, कहाँ बैठ, किधर बैठना चाहते हो? अनु जी, आपका तो आज सोफा के साथ भी मैच हो रहा है, पूरा अच्छा लग रहा है। मैं इसको ऐसा करता हूँ जी कि बैकग्राउंड ठीक आए। ओए होए, देखा अंदर डायरेक्टर भी छुपा हुआ ना। सर आप तीनों ने अलग अलग तो बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन कभी आपने सोचा था आप तीनों एक साथ मिलके इतना बड़ा काम करोगे? सीधा कपिल शर्मा शो में। मजाक कर रहे हो सर। भाई साहब
न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस और लॉस एंजलिस से बर्मा, ऑल द वे कपिल शर्मा। एक बात मैं भी कहना चाहूंगा बिल्कुल ईमानदारी और सच्चाई से, क्या कि मैंने तकरीबन 55-60 फिल्म लिखी हैं और जितने मतलब अमित जी से लेके सलमान और सभी के साथ काम किया है, शाहरुख, घर वाले पूछते हैं भोपाल में, मदर फोन करती है, क्या बेटा मम्मी पिक्चर शुरू हो रही है, कल मुहूर्त है, आउटडोर जा रहा हूँ। अच्छा चलो जीते रहो, अच्छा काम करो। जब से सुना है कि कपिल के शो में जा रहा हूँ तब से ज्यादा फोन आ रहे हैं, कितने बजे पहुंच गए, फोटो ले लेना, ये है। वाह चलवा सर, हमारा सौभाग्य है आज इतने धुरंधर लोग हमारे शो पे आए हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तकरीबन सवाल पूछा जाता है और कई लोग जो नहीं आ पाए ना कपिल शर्मा शो पे, उनके लिए ऐसा लगता है कि इन्होंने पिक्चर में काम ही नहीं किया। काम ही नहीं किया। बिल्कुल, क्योंकि हमसे पूछते रहते हैं अभी, क्योंकि लास्ट में अनुपम के साथ आया था, पंकज के साथ आया था, तो बड़ा हमेशा बोलते हैं ये वो शो आपका बड़ा जबरदस्त था, अब कब आ रहे हैं आप कपिल शर्मा शो में? इट इज लाइक यार आपको कौन सी पिक्चरें कर रहे हैं असल में? तो कपिल शर्मा, एक कपिल शर्मा में शो में आना वो जो है वो कुछ 10 पिक्चरों के बराबर होता है। आशीर्वाद है सर आपका। एक अर्चना जी, एक शेर याद आया, सुनाना चाहता हूँ। इरशाद, इरशाद, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे। वाह वाह, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है? क्या बात, आज सबसे ज्यादा इस मुल्क को दुनिया को हंसाने की जरूरत है, हंसाना वो सवाब का काम है जो आप लोग कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। रूमी सर आप तो कैसे पता नहीं किसी बड़े बैंक के सीईओ लगते हैं, मतलब आपका चेहरा हो रहा है सीरियसली, और सतीश सर को देख के लगता है किसी बैंक से 6-7 हजार करोड़ लेके भागेंगे। अरे यार एक्चुअली मेरी डिमांड इतनी ज्यादा है नहीं 6-7 हजार करोड़, मैं 100-200 भी हो जाएगा काफी चलेगा, 6 हजार में भी मान जाऊंगा। अच्छा आप सब जानते हैं कि हमारे जो आज के मेहमान हैं इन तीनों में राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एंकर, सिंगर सारी क्वालिटीज हैं। तो सर ये मतलब इतनी सारी क्वालिटीज, मतलब कैसे आपको किसी एक चीज पे भरोसा नहीं था इसलिए अलग अलग भी साथ में कर रहे हैं, या फिर मतलब ऐसा कोई काम है सर जो आपको लगता है कि हमें ये भी आता है अभी तक करने का मौका नहीं मिला? जो काम कपिल शर्मा करता है ये नहीं आता बाकी सब वो हमने। सर ये आपका बड़प्पन है आप ऐसा बोल रहे हैं, आपके लिखे हुए किरदार और इनके निभाए हुए किरदार हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अच्छा रूमी सर ने जो भी फिल्में लिखी हैं सारी नंबर वन है, हीरो नंबर वन, जोड़ी नंबर वन, बीवी नंबर वन, कुली नंबर वन, इन्होंने सोच रखा है कि जो काम करना है नंबर वन ही करना है। जैसे आज टीवी शो में भी आए तो आप देखो नंबर वन। और आपको एक चीज बताऊं कमाल की, ये नंबर वन का जो है जी, जब मेरी बेटी पैदा हुई तो सब नाम बोलते ना, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, तो एक अल्फिया नाम पसंद आया। अच्छा, सबको अच्छा लगा अल्फिया। अलिफ। तो बोले इसका मतलब क्या है? बोले मतलब है नंबर वन। आपने ना दोस्ती की बात करी है ना, तो इसका श्रेय ना मैं अन्नू कपूर जी को देना चाहूंगा। अच्छा जी, अन्नू कपूर को हम बहुत सालों से जानते हैं, एक्चुअली ये एक साल हमसे पहले आ गया होता था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, बट पर कुछ प्रॉब्लम हो गया था आपके कुछ एडमिशन का। बात भी सुन लो, हमारी बात भी सुन लो। एक्चुअली ये मुझसे 51 दिन छोटे हैं, ये 13th अप्रैल 1956 के हैं। वाओ, ठीक है, और मैं 20th फरवरी 1956 का हूं। उम्र में छोटे हैं लेकिन कर्म में, गुण में और टैलेंट में बहुत बड़े हैं। ये मेरे भाई 23rd मार्च 1966 के हैं। अब भी विकिपीडिया को मैंने कहा भैया 74 हटाओ, ये जब मुझसे पहली बार इनके दीदार हुए थे तो ये 12 साल के नहीं थे, अच्छे खासे जवान लौंडे थे ये, और ये आज का सुपरस्टार 2nd अप्रैल 1981। अरे बाप रे, हम एक ही राशि के एरीज हैं। क्या बात, आप सब एक ही राशि के, ये भी एरीज है। वाह अनु सर, अनु सर कौन से बादाम आते हैं आपके घर में? इतनी मतलब मैंने बहुत बार देखा इतने शोज में, इनको एकदम से कोई भी अगर जिक्र करता है चाहे किसी फिल्म का, हर चीज इनको याद रहती है। वाह सर सही बात, मैं अपनी दोस्ती की बात बोल रहा था ना, अन्नू कपूर ये एक्सक्लूसिव आदमी है, बहुत ज्यादा दोस्तियां करते नहीं है किसी से। अच्छा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अगर दो लोगों को दोस्त मानते हैं तो वो रूमी को और मुझको मानते हैं। कपिल करीबी दोस्त जानते हैं, मगर मैं इस शो का फायदा उठाते हुए कुछ अन्नू भाई के बारे में मैं भी बोलना चाहता हूँ जी।
कि जब से मैं भोपाल से बॉम्बे आया, तब बॉम्बे था, आज मुंबई है, मैं आया, मैं 19 साल का था, एक अच्छा। ना एक लॉस्ट लड़का भोपाल के मतलब तालाब की मछली को निकाल के समंदर में डाल दिया है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा कहाँ तेरे कितना तेरे खारा पानी। उस टाइम पे अन्नू भाई ने मुझे एक बड़े भाई की तरह, एक दोस्त की तरह इतना प्यार और इतना हौसला दिया मुझे। जब मैं राइटर बना भी था, लोग मुझे सीरियसली लेते नहीं थे, बोलता था मैं राइटर हूँ, तो मुझे हंसते थे लोग कि बेटा स्कूल के प्ले नहीं लिखना है, बच्चों के नाटक, जाओ पहले जिंदगी देखो, दुनिया देखो, भूखे भटको, किसी से इश्क करो, उसका दिल तोड़ो, अपना दिल तोड़ो, तब वजन आएगा। अच्छा, हाँ। तो मैं बोलता था मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो, मेरे ख्यालात देखो। राइट। तो मुझे कोई बिलीव नहीं करता था। मैंने बड़ी कोशिशें की, बिना नंबर का चश्मा लगाना शुरू किया कि फेस पे मैच्योरिटी आ जाए। तो अन्नू भाई जो हैं मुझे इतना चाहते थे, मैं सबको बताता हूँ, बच्चों अभी भी चाहते हैं कि मेरा 89 में ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स बस्ट हो गया था, फिर भोपाल गया आराम करने, तो जॉइंटिस हो गया था। तो अन्नू भाई और पूरी साहब ओम पूरी, ये दोनों भोपाल आए मुझे देखने के लिए। मतलब होता है ना, ये मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, अभी हाल ही में सर आपने, अन्नू सर ने साथ में एक चेहरे फिल्म भी करी, आपने बड़ा हंसाया भी है लोगों को, चेहरे बड़ी अलग किस्म की फिल्म थी, मैंने देखा, बड़ा मजा आया। और पूरे एक ही कॉटेज के अंदर की कहानी है, बच्चन साहब हैं, इमरान हाशमी साहब हैं, अनु सर हैं। तो आपके दोस्तों ने कहा नहीं कि एक ही कॉटेज की कहानी फिल्म बना रहे हो, कि हमें क्वारंटीन कर रहे हो आप? एक होता ना कि यार हम फिल्म करने जा रहे हैं, घूमेंगे फिरेंगे, अरे हमको अंदाजा होगा तो आने वाले वक्त में क्वारंटीन होना, तो हम उसकी रिहर्सल भी करा रहे थे। तेरा जो है रूमी, मेरी खुशकिस्मती रही है असल में कि रूमी के लिखे हुए रोल जो मेरे आज लोगों को पसंद आते हैं ना, वो पप्पू पेजर हो, वो मुत्तू स्वामी हो, वो शराफत अली हो, वो कुंज बिहारी हो, वो सब इनके लिखे हुए हैं। क्या बात। और वो बना, वो डायलॉग इन्हीं का लिखा हुआ है, ये तुम लोग घबराने का नहीं समझा क्या, आज पप्पू पेजर को पहली बार कोई भारी आदमी पड़ेला है, तो सोचना पड़ेगा। वो शराफत अली कसम उड़ान जलेगी, उसकी दुकान में चोरी का रुमाल भी नहीं मिलता, और मेरी दुकान में एक दिन ताजमहल भी बिकेगा। ये रूमी भाई के लिखे हुए डायलॉग है। ना एक और मैं आपको वाकई बताऊं, बड़े मियां छोटे मियां का। अच्छा जी। हम लोग फर्स्ट डे शूटिंग कर रहे हैं बड़े मियां छोटे, बड़ी कमाल की फिल्म है, बड़ा एंजॉय किया उस फिल्म को देख के। तो फर्स्ट सेट लगा पुलिस स्टेशन का महबूब में, और अमित जी का और गोविंदा का, और पहला सीन सतीश भाई का। तो उसमें एक डायलॉग था, उस गोविंदा उनको डांटते, तो गोविंदा बोलते क्या बात करो शराफत अली भाई, हम तो आपको इतना प्यार करते हैं। तो अमित जी भी आगे बढ़ते हैं, तो ये बोलते हैं तू दूर खड़ा रहे लंबू मन्ना, टांगे छाड़ के 2.5 फीट का कर दूंगा, लोग अप्पू राजा कह के बुलाएंगे। तो क्या हुआ, ये अमित जी का बड़ापन, मैं अमिताभ बच्चन का बता रहा हूँ कि कितने ग्रेट आदमी है बड़े, हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर क्या हुआ, तो डेविड साहब बोले यार रूमी फर्स्ट डे अमित जी को बुरा ना लग जाए, ये काट दे। अच्छा। तो वो काट दिया उन्होंने। तो मैं अमित जी के पास गया, प्रवीण आया कि सर बुला रहे हैं, क्या है रूमी सीन? तो मैंने सुनाया फ्लो में, तो मेरे मुंह से डायलॉग निकल गए। अच्छा। उन्होंने कहा ओके दे दो। वो कुछ रिएक्ट ही नहीं किए। मैंने आके बोला हो गया, कब तक भाई को बोल दिया। उन्होंने मतलब इतने अच्छे हैं, आप कुछ भी लिखोगे ना अमित जी, कभी आपने भी काम किया, कभी एक वर्ड नहीं बोलते आप, बताओ क्या करना। वाह क्या बात। तो सतीश भाई का हिट डायलॉग था, टांगे खा के चल। एक बड़ा कमाल का किस्सा है रूमी भाई की लिखी हुई, साजन चले ससुराल। अच्छा। इसमें मेरे को अपना फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल। क्या बात है। एक्चुअली वो पिक्चर की शूटिंग जो है मेरी रूप की रानी चोरों का राजा मैमथ बिग बजट पिक्चर, जी, जी। ताजा ताजा एकदम गर्मा गर्म फ्लॉप हुई थी असल में ना। और उस समय की बोलते हैं कि सबसे बड़े बजट की फिल्म थी, बड़े बजट की बहुत बड़े तो था। और मेरे को ये शूटिंग के लिए जाना था, शूटिंग थी अपना इधर पार्क के अंदर गोरेगांव के पास, वहां पे गया। और पहला सीन मेरा ये था कि मैं जमीन पे लेटा हुआ हूँ और एक ट्रैक्टर जो है ना मेरे ऊपर से जाता है। तो उन्होंने सीन बताया डेविड साहब ने, तो मैंने कहा यार ये ट्रैक्टर कैसे मेरे ऊपर चला जाएगा, पागल हो गए तुम यार, ट्रैक्टर मैं नहीं करूंगा। कहता नहीं सतीश भाई कुछ नहीं होगा, ट्रैक्टर की हाइट बहुत ऐसी होती है नीचे, ऐसे एक्चुअली ग्राउंड स्पेस बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर, कुछ नहीं होगा, चारों टायर आपके ऊपर जाएंगे, वो एक ही शॉट है तो वो एक में ही आना चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं यार, पर उसने करके दिखाया, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है फाइटर ने किया, कर। सडनली मैं लेट गया, स्टार्ट साउंड, रोल कैमरा, एक्शन, ट्रैक्टर शुरू हुआ और मैंने फट से बोला कट कट। तो कहता अरे क्यों सतीश भाई कट किस लिए? मैंने कहा ये ड्राइवर ने रूप की रानी चोरों का राजा तो नहीं देखी यार। मौके का फायदा उठा लेगा बोले चला।
पता चला यही है सारा, इसी ने फ्लॉपी वर करके चला देखा। मैंने कहा भैया पूछ लो इससे, जब कहते यार सर आपका ह्यूमर अभी भी खत्म नहीं हो रहा, नेट के शॉट दे तो चुपचाप यार। अच्छा जी, कई बार क्या होता है कोई एक्टर इंस्पायर करता है ना, अब ये बोलते सतीश भाई ने करना है तो आपको अपने आप दिमाग चलने लगता है। अच्छा, हम ना एक बार हम लोग हैदराबाद में शूटिंग कर रहे थे सलमान के साथ, दुल्हन हम ले जाएंगे। अच्छा जी, तो उसमें एक सीन के लिए इंस्पेक्टर को आना था, तो होता है ना चलो सतीश भाई से करा लेते, ना तो करेंगे नहीं दोस्ती में। सतीश भाई बोले रूमी यार जो करना है तो कुछ तो होना चाहिए ना उसके अंदर। तो हमने उस सीन को बनाया, हम जैसे हंसते हैं ना, वो डायलॉग रखे ही नहीं, वो इंस्पेक्टर सिर्फ हंसता ही रहता है, वो हाईलाइट करेक्टर बन गया। सारे डायलॉग जो है ना लाफ्टर में कर दिए, मतलब जो पूछना होता है ना कि यू आर अंडर अरेस्ट। वो डायलॉग का फील जो है ना वो लाफ्टर में ही दे दिया असल में। पर पप्पू रिचर का बड़ा जबरदस्त किस्सा, डेविड ने कहा कि ऐसे सीन करना, सीन पड़ा तो मैंने कहा यार मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर। फिर हम दोनों ने एक्चुअली वो पूरा सीन वर्कआउट किया असल में, और फिर मेरे को उसका पहला डायलॉग मैंने रूमी को बताया कि रमेश सिप्पी फिल्म्स के अंदर जब मैं सागर पिक्चर में छोटा सा रोल कर रहा था बटुकलाल का, तो वहां पे एक पी के दास करके कैमरामैन था, स्टिल फोटोग्राफर। अच्छा जी, वो भी पान खा रहा था। अबे झंटूले झटक जरा जरा तेरी फोटो लेने की है, मैं ना मैं झंटूले झटक ये क्या वर्ड हुआ यार। और वही डायलॉग जो है ना वही पहला वर्ड उस पप्पू पेजर में इस्तेमाल हुआ। अच्छा। ये झंटूले झटक ज्यादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक, मैं पप्पू पेजर बोल रहा हूँ, ए ज्यादा पिन पिन मत करना, नहीं तो रिसीवर में डाल के कनपट्टी से निकाल के कनपट्टी में घुसा डालूंगा, अल्टी बल्टी हो जाएगा, तो पप्पू पेजर पे बिलेन मत डालना। समझा गया? तो आप बोल सकते हैं कि रूमी जाफरी की राइटिंग का यू नो डेविड धवन की डायरेक्शन का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे इन किरदारों में, जो आज पब्लिक को इतने पसंद हैं, जो एक्चुअली सड़क के और बड़े अपने अपने किरदार लगते हैं पर वो लोग प्यार करते थे, तो वो मेरे भाई रूमी जाफरी के लिखे हैं और उनकी वजह से तो समझ सकते हैं कि इनका कितना कंट्रीब्यूशन है। अनु जी वही है ना सर, यारी दोस्ती एक तो आप लोगों की, ऊपर से आपने खुद इतने मजे लिए उसको निभाते हुए, पब्लिक ने तो मजे लेने थे, वो यादगार करेक्टर हैं सारे। हमने अनु सर के बारे में किस्सा सुना कि नॉर्मली जो ग्रेजुएशन करने के बाद आप एनएसडी में अप्लाई कर सकते हो, पर अनु सर उनको इतने पसंद आए कि आपके लिए उन्होंने कुछ रूल भी चेंज किया था सर। नहीं नहीं सर, छोटी सी बात थी, माँ बाप के पास मेरे पैसे नहीं थे, पढ़ाई छूट गई, तो एनएसडी में जब मैं गया तो उन्होंने कहा कम से कम 11वीं तो क्लियर कर लो, यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए था। सो 11वीं के प्राइवेट एग्जाम किया, मेरे पास चार सब्जेक्ट की तो किताबें ही नहीं थी। अच्छा, बहरहाल जब अब मैं गया तो बाकी उन्होंने जो, मैंने कहा जी देखिए आप मोहन राकेश के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, शेक्सपियर के बारे में पूछ रहे हैं, बेन जॉनसन के बारे में पूछ रहे हैं, क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में पूछ रहे हैं, यो तो मणे पता नहीं है, आप तो काम करवा लो मर से। काम करवा लो बस खत्म हो गई। पता नहीं। अच्छा अच्छा कपिल भाई एक बात और बता रहा हूँ आपको, कथा कलाम माफ हो, कि वहाँ पे जब गए तो हम लोग सेंट्रल इंडिया के हैं, हम लोग कोई कॉन्वेंट में, भाई तू तो कॉन्वेंट में, मैं भी काम है तो टाटपट्टी के ऊपर पड़ा हूँ बैठ के जब। लेकिन एक हमारे अंदर एक एक बात तो थी यार, ये छोरियाँ आती थी ना बाइगड अंग्रेजी बोलती हुई ना, तो यार मतलब ऐसा लगता था कि मुँह से उनके बात निकली अंग्रेजी के अंदर, तो हमें ऐसा लगता था ऐसा कमतरी हो जाता था यार। इसलिए मैंने कहा भाई ये तो गड़बड़ है यार, नहीं नहीं ये तो अब तो इसको ही जरा वो करना पड़ेगा सर। तो इस खुंदक के अंदर क्या बात है खुंदक। कपिल अन्नू भाई ने जो बोला ना खुन्नस, तो खुन्नस में तो मुझे बड़ा अच्छा शेर याद आया जी। उसने इस अंदाज से सरे महफिल देखा मुझको, वाह वाह, उसने इस अंदाज से सरे महफिल देखा मुझको, इंतकामन मुझे उसके दिल में घर करना पड़ा। मैं वैन में एक शेर सुना रहा था, बड़ा अच्छा, मतलब होता है ना मोहब्बत में बड़े शेर हैं, हजारों लाखों शेर हैं, लेकिन एक पजेसिव आदमी का नया एक्सप्रेशन मैंने बड़ा अच्छा, कि घर के मिल जाए मुझे दरबानी तेरे घर की, वॉचमैन बन जाऊं तेरे घर का, वाह वाह वाह, घर जो घर के मिल जाए मुझे दरबानी तेरे घर की, गैर को आने ना दूं और तुझको कहीं जाने ना दूं, गैर को आने ना दूं और तुझको कहीं जाने ना दूं। वाह वाह वाह। देखो क्या है, तो कपिल ये तो हम सब जानते हैं, आप परफॉर्मर होते जबरदस्त, सबकी जिंदगी में जब तक रोमांस नहीं होता ना, हाँ जी,
उसका कुछ लेना देना नहीं होता शक्ल सूरत से। रोमांस का तो फीलिंग से होता है यार। तो हमको बचपन से पता नहीं कितने रोमांस हुए इंक्लूडिंग मेरे को अच्छी तरह याद है, मेरे को अपने स्कूल के टाइम में एक लड़की बड़ी पसंद थी। मैं ना वहाँ पे पढ़ता था गोल मार्केट के पास हार्टफोर्ड बटलर स्कूल में। तो वो दयानंद मॉडल में पढ़ती थी, मैं उसको बहुत पसंद करता था। तो वो बस स्टॉप पे आती थी, मैं बस स्टॉप साइड में खड़ा हो जाता था, देखता रहता था। ठीक है ना, नाइन्थ स्टैंडर्ड में होगा। फिर उन दिनों में डबल डेकर बस चलती थी, वो डबल डेकर में बैठती थी, मैं पीछे कभी खड़ा हो जाता था या कभी साथ में बैठ जाता था। बाद सब उसकी किताबों में रीडिंग कर रहा था, उसका भी नाइन्थ है फिजिक्स, कभी कभी कॉपी केमिस्ट्री की सामने होती थी, कभी होम साइंस की होती थी, सब मैंने जानकर ले ली। करोल बाग उतरती थी, फिर वो घर पे जाती थी, मैं उसको घर पे छोड़ के आ जाता था। तो ऐसे बात चलती रही, ऐसे काफी दिन चलते रहे। एक बार डबल डेकर बस में ना बच्चों की बहुत 5-6 स्कूल थे, छुट्टियां होती थी बहुत, तो वो बस भरी पड़ी थी, तो वो जो सीढ़ी होती है ना डबल डेकर की, उस पे वो खड़ी हुई और मैं थोड़ा सा नीचे, मतलब लुकिंग अप टू आर, लुकिंग अप टू आर, ऐसी रोमांटिक स्टोरी आपने सुनी नहीं होगी जो मैं सुना रहा हूँ। तो मैं उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसकी किताब, अब जानकारी तो मुझे सब थी, विच स्कूल यू स्टडी, उसने जवाब दे दिया दयानंद मॉडल, और ये भी कहा बेवकूफ ड्रेस तो देख रहा है ना मैं उसी स्कूल की। फिर मैंने कहा विच सब्जेक्ट्स विच क्लास, उसने कॉपी की तरफ देखा, नाइन्थ विच स्टैंडर्ड, नाइन्थ स्टैंडर्ड विच सब्जेक्ट्स, जवाब मिले जा रहे हैं, मैं तो कॉन्फिडेंस मतलब डबल डेकर से ट्रिपल डेकर हो गया मतलब ना। विच फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, अब साइलेंस बस चल रही है। मन में जो है कॉन्फिडेंस लेवल सतीश कौशिक का बढ़ चुका है, यू नो। सडनली उसकी तरफ देखा, आसपास देखा, बच्चे भिनभिना रहे हैं, और उसको धीरे से बोला आई लव यू। क्या बात, वो क्योंकि नीचे मेरी तरफ देख रही थी, उसने मेरी तरफ नीचे देखा, शट अप। मैंने ऊपर देखा उसकी तरफ, ओके और नीचे उतर के बैठ गया। उसके बाद से वो बस स्टॉप पे उधर खड़ी होती थी, मैं दूसरे बस स्टॉप पे खड़ा होता था। मैंने उस स्टोरी का नाम रखा था रोमांस इज ओवर, मतलब जो रोमांस था ही नहीं। सीढ़ियों से भाई बात याद आ गई, आए हाय जवानी, रात भी नींद भी काली। मैं इसके साथ सीढ़ियां उतर रहा, और ये रूमी भाई अभी अभी आए हुए हैं, जानना चाहते हैं कि सरखम है तेग अबरू दिलबर के सामने, गर्दन झुकी है यार के खंजर के सामने, इसको कैसे बोलूं मुझे अपना जो। और अचानक मैंने देखा सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी हुई है, यकलखता मेरा जो नजर थी उतर गई और ध्यान भी गया, और ये सीढ़ियां उतर के चले गए, ये मेरे साथ थे, ले गए। मैंने नीचे उतर के आप बोले, मैंने इससे कहा था भाई मैंने अपने आप को सिर्फ 10 दिन दिए हैं, 10 दिन में अगर ये मेरी नहीं हुई तो फिर सोच लेंगे। और जानते भी नहीं थे कौन है, मैं जानता भी नहीं। और 10वें दिन मुझे बुलाया, मिलो इनसे, आइए। मिलो इनसे। अभी एक कहीं पढ़ा था, वो मेहंदी हसन साहब ने गजल गाई थी, मुझे मालूम नहीं सलीम मलिक की, सलीम कौसर की, सलीम कौसर की, कि मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, और क्या भाई नेक्स्ट, सारे आईना मेरे आंख से पसे आईना कोई और है, जिनकी जिंदगी में एक गर्ल फ्रेंड भी नहीं आई, पता नहीं इस गजल को सुन के वो इतने सेंटिमेंटल क्यों हो जाते हैं। नहीं क्योंकि क्योंकि उसमें एक शेर और है, एक उस गजल में बड़े अच्छे शेर है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई नहीं मिला उसके लिए एक शेर है, कभी लौट आए तो पूछना नहीं देखना उन्हें गौर से, कभी लौट आए तो पूछना नहीं देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। बहुत अच्छे। अभी क्या है, हमारे टाइम तक सेंट्रल इंडिया की बात कर सकता हूँ, हम उस टाइम तक एक अजीब सी नाइविटी थी, वो नाइविटी को आप बेवकूफी बोल सकते हैं, कि अगर लड़की ने हंस के देख लिया तो प्यार हो जाता था।
और अभी तो बहुत कुछ होने के बाद भी प्यार नहीं होता। सर फिर गाने की बात चली है तो कुछ हो जाए ना सर, आप इतना प्यारा गाते हैं यार, समा बांध देते हो जाए सर कुछ। क्या बात है। आज इस सक्सेसफुल मंच प्लेटफॉर्म का आदरणीय भाई श्री कपिल शर्मा के कंधों के ऊपर जो जिम्मेदारी है, इस मंच का लाभ उठाते हुए मैं कुछ आपके सामने प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूं। सर प्लीज। 1756 में बंदा एक पैदा हुआ जिसका नाम था वुल्फगांग अमेडियस मोत्सार्ट। मोत्सार्ट, यस। जोरदार तालियां। वन ऑफ द जीनियस एवर बोर्न ऑन दिस अर्थ इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अनु सर, आप जैसा ना कोई था ना कोई आएगा, ना ऐसे हरकत वाला हो। हाय हाय, क्या बात है। इसके बाद बंदा क्या पूछ लेगा। जी, अनु जी, 30 रुपए होंगे आपके पास, ऑटो का किराया देना था। नहीं, कौशिक करके देखिए, शायद आपकी जेब में से निकल आए। कौशिक करके देखिए। रूमी जी, आप आए हैं, इसके शब्दों के साथ थोड़ा सा खेल रहा था मैं। नहीं, अगर आप झूठ बोल रहे, आप ऑटो में आ ही नहीं सकते। पनीश जी, देश कब का आजाद हो गया है। हाँ। इसे कीजिए आजाद अब। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तो कर दिया। अरे यार, शर्मा एक काम था छोटा सा। क्या हुआ? ये प्लम्बर का नंबर है, इसे फोन करके बुलाओ जरा। क्यों, नल खराब हो गया आपका? नहीं, मेरा मूड खराब हो गया। इसको फोन करके बुलाओ और कहो अपनी बेटी को मेरे घर से ले जाए। प्लम्बर की बेटी आपके घर में क्या कर रही है? मुझे क्या पता। पिछले 10 सालों से ये मेरे घर पे क्या कर रही है, सिर्फ नाम की बीवी है ये। घर के सारे काम मैं करता हूँ। और जब भी इसे अपने पिताजी की याद आती है, सारे घर के नल के उखाड़ देती है कि प्लम्बर आ जाएगा भाई, पिताजी बात। ये क्या बात हुई? आप फोन करके इन्हें बुलाइए, कहिए अपनी बेटी को ले जाए। मैं क्यों करूँ, आप खुद कर लो। अरे यार, मेरे पास मोबाइल नहीं है, सिर्फ लैंडलाइन है मेरे पास। लैंडलाइन से कर लो ना। उसके पास लैंडलाइन नहीं है, उनके मोबाइल पे कर लो। जिसके पास लैंडलाइन नहीं है, मोबाइल कहाँ से होगा यार। वकील साहब, आपको किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा? नहीं, वो एक आया था पागल कुत्ता था, पागल था नहीं था, मुझे नहीं पता। उसने काटने की कोशिश की, लेकिन उसके सारे के सारे दांत टूट गए। अब वो बेचारा जरा डेंचर्स लगाने गया है, पर उसने वादा किया है कि डेंचर लगा के एक बार ट्राई फिर से करेगा। मैंने कहा ओके, योर वेलकम। भाई साहब, आपका ना दिमाग मुझे ठीक लग रहा है। ये पीछे जाओ, पुल के नीचे एक बाबा बैठता है, उससे जाके अपना इलाज कराओ। चलो। नहीं नहीं शर्मा, नहीं नहीं शर्मा, ये पुल के नीचे जितने बाबा बैठते हैं ना, उनसे दवाइयां कभी मत लीजिए, जान को खतरा रहता है। हाँ, हमें आपकी जान खतरे में ही डालनी है, तभी तो बोल रहे हो जाइए। ये साजिश है आपकी यार, मेहमान आए हैं, पहली बार मुलाकात हुई है, तारुफ कराओ जरा। तारुफ की जगह मैं सोच रहा हूँ आपको ऑटो करा दूं, दफा हो जाए यहाँ से आप। इतना बड़ा मुंह लगवाया है, बच्चों के लिए पार्क क्यों नहीं बनवाते ऊपर आप। सर ये इस मोहल्ले के वकील हैं, ये इनका घर है, ये इतने टैलेंटेड वकील है, पहली तारीख पे ही क्लाइंट को हरवा देते हैं, कभी कभी तो इनको भी जेल हो जाती है, इतने टैलेंटेड है ये। ये अफवाह, पहली तारीख को कभी नहीं हरवा था मैं केस में, आखिरी जो केस हारा था वो मैं 27 तारीख को हारा। Oh, उसके पहले मैं 10 तारीख को हारा, पहली तारीख पे कभी केस नहीं हारता। ये झूठ बात है। लेकिन शर्मा, क्या बात है, क्या बात है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या बात है। क्या बात है, मेरे को क्या पता यार। 3 मर्दों को बुला लिया यार, मतलब लेडीज को नहीं बुलाया। नहीं देखिए, जिस आश्चर्य चिकित्सा से आप मेरी ओर देख रहे हैं ना, उसी आश्चर्य चिकित्सा से मैं भी आप लोगों को देख रहा हूँ।
कम से कम यहाँ पर किसी लेडीज को बुला लेते या इनके लिए मेरी जगह लेडीज को बुला लेते असली वाली। असली वाली सभी मर्दों के बीच में सिर्फ एक जेंट्स हैं आप, मतलब लेडीज है, लेडीज। अर्चना जी लेडीज है, अर्चना जी लेडीज है, मैंने लिखा भी था, मुझे याद क्यों नहीं रहता यार। लेडीज है अर्चना जी, लेडीज से ये बात खत्म हुई है, स से गाना अगला आप गाएंगे। वो क्यों गाएंगे? क्योंकि अंताक्षरी के किंग है। ओहो, जवानी के दिनों में क्या अंताक्षरी खेला करते थे आप। लेकिन मुझे एक शिकायत है आपसे। आप जब अंताक्षरी खिलाया करते थे सबको, आप कहते थे बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। यार उस समय इतना काम था आपके पास, और कहां काम ढूंढ रहे थे। कायदे से अंताक्षरी आपको आप खिलानी चाहिए। वो फ्री नहीं है। नहीं, मैं फ्री हूँ। मुझे खिलाइए, मैं जरूरत से ज्यादा फ्री हूँ। सभीयों के साथ आजकल धनिया नहीं मैं दिया जाता हूँ, इतना फ्री हूँ। यार रूमी जी मानना पड़ेगा, मैंने सुना है आपने बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं, बहुत बड़ी, पर आपकी ना एक फिल्म मैंने अभी देखी, वो तो दो ढाई घंटे की थी। नहीं मतलब बड़ी फिल्म है तो कायदे से 6-7 घंटे की तो होनी चाहिए ना। इतनी लंबी फिल्म कौन सी होती है? गैंग ऑफ वसीपुर। बहुत लंबी फिल्म है यार। सिर्फ फिल्म लंबी नहीं है, उसका इंटरवल भी इतना लंबा था, 2 महीने का। सतीश जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मैं आईने के सामने बैठा हूँ? बहुत अच्छा, शाबाश अंकल। ये अभी ऑपरेशन करा के इंसान बने, पिछले हफ्ते भालू थे ये। सतीश जी आपने भी इतनी सारी फिल्में डायरेक्ट की, आपने फिल्म की थी वो तेरे नाम, आपने सलमान खान जी के साथ ठीक नहीं किया। क्यों? पहले तो हीरोइन से आपने उन्हें जुदा कर दिया, फिर ये जो ऐसी कमाल की उनकी जुल्फें थी वो आपने सारी गायब करवा दी। मैं सर गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये स्टोरी की डिमांड नहीं, ये जेलिसी की डिमांड। इट्स अ ओपन एंड हेयर कट केस ऑफ जेलिसी। माय लॉर्ड। ओ वकील साहब, हाँ कोई ढंग की बात करो ना। ढंग की बातें आजकल कौन करता है? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। कहाँ रह गई हैं ढंग की बातें, सब दोगली बातें करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति मुझे मिले, मुझसे कहते हैं क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। मैंने कहा रे यार इस व्यक्ति को कुछ लेकर तो जाना है नहीं, तो उसका बटवा मैंने चुरा लिया। अब वो तुरंत ऑटो लेकर आ गया और मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चला गया। अब पुलिस ने मुझे उल्टा लटका दिया, और जैसे ही पुलिस वाले ने मुझे उल्टा लटकाया मैंने उसे डांटा। क्यों? क्योंकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। काफी देर उल्टा लटकने के बाद मैं अनकंफर्टेबल हो गया, तो मुझे आई उल्टी, नहीं एक्चुअली मुझे आई सीधी। नहीं सतीश जी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, आदमी पहले से उल्टा लटका है तो अब जब इसे उल्टी आती है तो ये उल्टी है कि सीधी है? क्या बात है, ये क्या फालतू के सवाल पूछ रहे हैं आप मेहमानों से? अच्छा ठीक है, तो मैं संवेदनशील सवाल पूछ लेता हूँ। हाँ। मिस्टर इंडिया फिल्म आई थी आपसे, उसमें कैलेंडर पर मैंने फिल्म देखी, जितना आपने उसमें खाना बनाया है, जितने लोगों का आपने खाना बनाया है, कायदे से आपका नाम कैलेंडर नहीं सिलेंडर होना चाहिए। अरे मैं आपको एक बात पूछनी भूल गया। बोलिए बोलिए बोलिए। वुड यू लव टू हैव गट आउट? ये क्या चीज होती है? दफा जी क्यों बोर कर रहे हैं आप हमारे मेहमान? नहीं, मैं खाली कह रहा था सतीश जी एक रिक्वेस्ट थी, मैं चला तो जाऊंगा, ये फोर्स कर रहे हैं मुझे, लेकिन जाने से पहले मैं कह रहा हूँ कि आपने इतनी फिल्में बनाई हैं, एक बायोपिक मुझ पर बनाइए, बनाइए, मैं आपको अपने राइट्स देता हूँ। अच्छा, आपकी कोई बेस्ट विशेस नहीं लेता, आपके राइट्स कोई क्यों लेगा? राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, रॉन्ग ले लो, जो लेना है ले लो, सब ले लो, लेकिन मेरे ऊपर एक फिल्म बनाइए। देखिए आपको खाली डायरेक्ट करनी है, कहानी तो मेरे पास है। क्या है कहानी बताओ? देखो सुनसान सड़क है, एक हाथी झूमता हुआ जा रहा है। ये तो हो गई आपकी एंट्री। क्या
ये मेरी एंट्री नहीं है, ये फिल्म की शुरुआत है। यहाँ पे होती है हीरो की एंट्री, यानी कि मैं। ये कैमरा मुझ पर है। अच्छा, फिर हीरो जाता है, पेंसिल उठाता है। अब कैमरा ऊपर जाता है, हीरो नीचे जाता है। कैमरा राइट जाता है, हीरो लेफ्ट जाता है। कैमरा आगे जाता है, हीरो पीछे जाता है। ये क्या बात हुई? पहली फिल्म है हीरो की यार, उसको थोड़ा आइडिया नहीं है। ओके ओके, थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ सही बात है। अब यहाँ पर लॉन्ग शॉट में हम दिखाते हैं कि हीरोइन इलायची खा रही है, क्योंकि अगला सीन जो है हीरोइन का वो किसिंग सीन है। ओहो, किसिंग। अरे बाप रे बाप, क्या बात है। इसी के साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं करनी आपकी फिल्म, दफा जाओ। क्या भलती सी स्टोरी सुनाते जा रहे हो आप। अभी मैं चलता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, ये फोर्स कर रहे हैं मुझे। अच्छा। लेकिन जाने से पहले आप तीनों यहाँ पर आए और डांस ना हो तो ही बेहतर है। चार मर्दों को डांस करते हुए कौन देखना चाहेगा? सही बात है कि नहीं? चलिए सो बाबा 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 बाबा। सर देखो, आप तो खुद राइटर हैं, हमारी जनता आजकल ना बड़ी क्रिएटिव हो गई है। जो आप लोग अपने पिक्चर्स डालते हैं फैंस के लिए, उसके नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। ये सतीश कौशिक साहब ने फोटो डाली है कि थ्री इज अ कंपनी ऑलवेज रेयरिंग टू गो एंड प्रूविंग टू बी ब्रिलियंट। अनिल कपूर साहब हैं, अनुपम खेर साहब हैं और सतीश साहब हैं। कमेंट्स देखते हैं नीचे क्या है। अच्छा हुआ आप दोनों के बीच में अनिल सर हैं, जाकिर हुसैन होते तो तबला बजा देते। अच्छा। ओह, जनता बड़ी क्रिएटिव हो गई है। बहुत बहुत कमाल। कमाल की बात है सतीश कि अनिल के तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो, अनुपम और तू सतीश। हाँ, उसके इतने सारे बाल और तुम दोनों के बिल्कुल बाल नहीं है। अच्छा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अपने दो चाचा के साथ आया हुआ स्टूडेंट। अनुपम सर के एक्सप्रेशंस को देख के लग रहा है आज बिल उनको देना है। और दिखाइए आगे आगे बढ़ा। सतीश सर को देख के लग रहा है इन्होंने पोल डांस पहली बार देखा है। वाह अनिल, अनिल किसी ने कहा वाह अनिल सर, आपने तो चार चांद लगा दिए, दो साथ में दो कांच में दिख रहे हैं। क्या बात है। और दिखाइए। अच्छा। अनु सर की फोटो है, एट एमिस्ट लॉकडाउन एट माय फॉर्म। हाँ, ये नीचे पढ़ते हैं कमेंट्स। वाह सर क्या बात है, लग रहा है यार भाई माचो। अनु सर कपड़ों से तो आप डाउन लग रहे हैं, आपने फार्म हाउस खरीदा है कि कब्जा किया है? सर आप लॉकडाउन में खाली क्यों बैठे हो, आप तो अंताक्षरी भी खेल सकते हो। और आगे दिखाइए। लगता है इन्होंने चद्दर लॉन्ड्री में दी थी और लॉकडाउन लग गया। क्या ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन। गद्दे में बैठे हुए। अच्छा, किसी का रिप्लाई भी है, नहीं नहीं भाई चद्दर के तो इन्होंने कपड़े सिलवा लिए। अगर पड़ोसन सुंदर हो तो बंदा लॉकडाउन में भी इतना तैयार होके बैठता है। और दिखाइए। अच्छा, ये रूमी सर ने फोटो डाला है। बोनी साहब इज सो फॉन्ड ऑफ गुड फूड दैट ही वुडंट से शाई अवे फ्रॉम ईटिंग एट ए पब्लिक प्लेस ऑल्दो बीइंग अवर आलमपनाह। हाँ जी, कमेंट्स दिखाइए जरा। बोनी कपूर गोलगप्पे वाले की बोनी कराते हुए। रूमी जी बी लाइक, मैं तो डिनर सोच के आया था, इन्होंने पानी पूरी में ही निपटा दिया। गोलगप्पे खा के सूखी पपड़ी लेना मत भूलना, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आपका दिग्विजय पानी पूरी वाला, बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया बलिया आरा हिले चपरा हिले बलिया हिले, वो है। और दिखाइए। सतीश कौशिक साहब ने फोटो डाली, बिरयानी बिरयानी बिरयानी, वेटिंग फॉर डिलीशियस बिरयानी टू बी सर्व। दिखाइए जरा कमेंट्स।
इनकी खुशी देख के लगता है कि हाफ प्लेट के प्राइस में इनको फुल प्लेट बिरयानी मिल रही है। कमाल के हमारे लोग अगर कमेंट। चावल बी लाइक, आज मैं हांडी से निकल के बड़े मटके में जाऊंगा। क्या बोलते हैं? ओह, जब होटल वाला कहे अरे नहीं नहीं आप तो सेलिब्रिटी हो, आपसे क्या पैसे लेना। एक्सप्रेशन पे ऊपर आया है ये कमेंट, आगे दिखाइए। अच्छा हुआ आप स्माइल कर रहे हो, वरना कोई गुलाब जामुन समझ के आपको उठा लेता है। स्माइल 5 मिनट ही रहती है, देखना रोटी जरा भी लेट हो गई तो यही आदमी गाली देगा। क्या क्या यार, क्या क्रिएटिविटी है लोगों की। ओह, और दिखाइए फोटोग्राफ। ये अनु सर की फोटो है, ये कहाँ की फोटो है अनु सर? कोपेनहेगन डेनमार्क। अच्छा कोपेनहेगन, दिखाइए जरा कमेंट्स। सर की लाइफ कितनी भी रंगीन हो, पक्षी और कपड़े इनको ब्लैक एंड व्हाइट ही पसंद आते हैं। क्या नोटिस किया है? सेलिब्रिटी आप हो और एटीट्यूड चिड़िया दिखा रही है। ये सही है, फोटो के लिए कुड़िया ना मिले तो चिड़िया से काम चला दो। और दिखाइए। अरे बाबा वाह, सराउंडेड बाय मेकअप एंड हेयर स्टाइलिश वेयरिंग पीपी किट्स, दिस लुक्स लाइक ए शॉर्ट फ्रॉम ए साइंस फिक्शन। मुझे वो दिन याद आ गए जब पीपी किट पहन के करते थे। कमेंट्स दिखाइए नीचे। सर बुरा मत मानना लेकिन आपका हेयर स्टाइलिस्ट आपको सालों से ठग रहा है। ये आप आदमी कक्का यार। सतीश जी को डर लग रहा है कहीं ये कान ना काट दे। ऐसा लग रहा है कि शूटिंग की नहीं ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। एक्चुअली व्हाइट कपड़े मास्क में वाकई डॉक्टर लग रहे सारे। हाँ सही बात है। और दिखाइए कमेंट्स। क्या क्या लिखते हैं यार, कमाल है, कितने इनोवेटिव। सर आपको पता कैसे चलता है पीपी किट में कौन सा हेयर वाला है कौन मेकअप वाला? किसने रिप्लाई लिखा है, भाई इजी है, जो खाली बैठा है वो हेयर वाला है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, जो खाली बैठा है वो वाला है और जो काम कर रहा है वो मेकअप वाला। और दिखाइए। वाह बिल्कुल सही बात है। ओह ओहो क्या बात है प्रभु, बड़ी डैशिंग फोटो है। दिखाइए कमेंट्स। वाह सर क्या बात है, आपके तो दाढ़ी के भी दाढ़ी आई हुई है। सर एक एडवाइस, शेव बनाने जाएं तो जैकेट उतार देना वरना दाढ़ी समझ के कॉलर काट देगा। अनु कपूर भी लाइक, बुलाती है मगर जाने का नहीं। सर जी इतनी मोटी जैकेट और अंदर वार्मर, इससे अच्छा तो 2 ओल्ड मॉन्क के लगा देते। अच्छा खत्म हो गया। कैन आई से समथिंग? जी सर। अनुकल्प जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बच्चा है यार, जोरदार तालियां अनुकल्प के लिए, बहुत बहुत ही क्रिएटिव मानना पड़ेगा। और सारे म्यूजिशियंस के लिए गोपाल भैया के लिए ताली जोरदार। और ये बच्चा अनुभव सुमन मेरे साथ है, बहुत ही ब्रिलियंट टैलेंटेड है, इसके लिए जोरदार तालियां अनुभव। वाह वेलकम। एक लॉ कॉलेज की बात चल रही थी, अपने भैया आए थे वकील, तो मैंने कहा याद आएगा तो मैं जरूर बोल दूंगा कि एक लॉ कॉलेज के अंदर प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर साहब ने एक लड़का था जो बड़ा स्मार्ट था उसको फेल कर दिया। अच्छा जी। बुरा लगा उसको बहुत बुरी तरह से, कहले सर आपसे 5 मिनट मिलना चाहता हूँ मैं, आपने मुझे फेल कर दिया, अगर आप इस लायक नहीं थे कि तुम पास किया जा सके तो मैंने फेल कर दिया। कहले सर मेरे अगर आप 3 सवालों का जवाब दे देंगे तो मैं एडमिट कर लूंगा कि आपने मुझे फेल किया, मैं डिजर्व करता था। कहले पूछो भाई क्या है। कह सर ऐसी क्या चीज है जो लीगल है लॉजिकल नहीं है, और लॉजिकल है और लीगल नहीं है, और ऐसी क्या चीजें जो ना लीगल है ना लॉजिकल है। प्रोफेसर साहब बड़े परेशान हो गए कि यार ये क्या करें। कहने आप एडमिट कर लो कि आप हार गए। कहने लगे यार मेरे को पता नहीं है। तो कहने सर पास कर दो, लड़के को पास कर दिए। दूसरे दिन इसी चिंता में रात भर सोए और कहने लगे अगले दिन क्लास में पूछूंगा। यार ऐसा क्या चक्कर है, जाके क्लास में उन्होंने पूछा कि भाई एक बात बताइए कि क्या है कि लीगल है लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल है लीगल नहीं है,
और ऐसा क्या है कि ना लीगल है और ना लॉजिकल है. एक लौंडा खड़ा हो कह रहा है सर मैं बताता हूँ. हाँ बताओ बताओ तो क्या कि सर देखिए ऐसी बात है कि आपने 23 साल की लड़की से शादी की है, उम्र है आपकी 60 साल. ये लीगल तो है लेकिन लॉजिकल नहीं है. और उस लड़की का अफेयर किसी से चल रहा है, ये लॉजिकल तो है लीगल नहीं है. लीगल नहीं है. और उसी लड़के को आपने पास भी कर दिया, अब ना ये लॉजिकल है ना लीगल है. सतीश सर एक बात पूछनी थी आपसे. जब आपने अपने घर वालों को बताया कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है, उनका क्या रिएक्शन था? जैसे सब घर वालों का था जब मैंने 75 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया. अच्छा जी. मेरी एक्चुअली कहीं जॉब लग गई थी भादरगढ़ के अंदर, और मेरे को लेटर आया. वो बाई चांस उसमें डाकिया देके जाता, मैं बाहर ही बैठा था, तो जैसे ही अपॉइंटमेंट का लेटर आया मैंने तो साइड में करके फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि मैं नेशनल स्कूल ड्रामा ज्वाइन करना चाहता था और वो मुझसे हो नहीं पा रहा था. फिर मेरे भाई ने बरंदत कौशिक, जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे फादर की तरह हैं समझे ना, वो उन्होंने मुझे एक बॉल बियरिंग की कंपनी में झंडे वालन में नौकरी दिलवा दी. अच्छा. अब मैंने कहा मैं यहाँ कहाँ से निकलूँ यार, तो मैं उनके वहाँ से ना बहुत टेलीफोन करता दोस्तों का, तो उन्होंने भाई साहब को बोला यार आपका भाई तो ये फोन ही करता रहता है पूरे दिन, तो मुझे कितना निकलना था उन्होंने मुझे निकाल दिया. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गया किया, पिताजी बड़े मेरे जो थे ना वो बोलते बेटा जो करना चाहो तुम करो, कुछ नहीं, बड़े गांव के आदमी थे, धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन करो. लेकिन ये अच्छी तरह मेरे को याद है सब लोगों ने कहा कि यार ये हमने तो कभी किसी ने काम किया नहीं है, ये तू कैसे करता है. मैंने कहा मेरे को पता नहीं करने का शौक है. और मेरे को अच्छी तरह याद है कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास करने के बाद मैं बॉम्बे की ट्रेन पकड़ रहा था, तो मेरे बड़े भाई साहब उन्होंने मुझे बड़ी रोकने की कोशिश की, बहुत रोकने की. मैंने कहा वो आउट ऑफ कंसर्न, तू कहाँ जा रहा है, बम्बई आना बहुत बड़ी बात होती थी. तो कहने लगे रुक जा बेटा, वहाँ पे हमारा कोई जान पहचान नहीं है, कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी को जानते नहीं हम, तू उधर ऐसे बड़े शहर में कैसे जाएगा. और मैं कहता भाई साहब नहीं आप चिंता मत करो, मैं कुछ बन के आऊँगा वहाँ से कुछ बन. मतलब गाड़ी जब तक चली नहीं वो मुझे कन्विंस करते रहे. और मेरे को अच्छी तरह याद है गाड़ी चलनी शुरू हुई ना उनके आँख में आंसू आ गए असल में. जब मैं बम्बई आया तो मैंने एक साल एक्चुअली कुछ नहीं किया यहाँ पर. मैं एक प्रीमियर टेक्सटाइल मिल है वहाँ पे मैं कैशियर की जॉब किया एक साल. मैंने अपने पिताजी को बोला था कि आप है ना इस परिवार में मेरे को नौकरी दिला दो, ये आपको गंगानगर के टाइम से जानते हैं. अच्छा जी. तो बनारसी लाल अरोड़ा जी, राकेश अरोड़ा, वो मेरे वो थे. मैंने टेक्सटाइल मिल में पेटियाँ ठोकी हैं, बिल बनाए हैं अमृतसर लखनऊ पर. वो एक साल जो मैंने इस बम्बई में उनके वहाँ किया वो भी तन मन धन से किया. इतना तन मन धन से किया कि कहने लगे काका तू यार तू साड़ी तारापुर वाली अभी फैक्ट्री देख ले. मैंने कहा जी मैं तो एक्टर बनने आया हूँ. और वो जब मेरा प्ले देखने आया ना पृथ्वी के अंदर, ही वॉज सो ओवरवेल्म्ड दिस थिंग. और अगले दिन ऑफिस में जाकर के पंजाबी बंदे थे है नो आकर के, वो कपड़े वाले बैठे हुए थे बहुत सारे, वो कहने लगे यार ये पंडित जी का मुंडा थे कमाल द एक्टर यार, ये तो कमाल हंसाता है यार, तू तो यार असी तो कमाल, मतलब तेरी शक्ल सूरत तो नहीं हैगी मतलब है ना, पर तू यार एक्टर बड़ा कमाल द है पंडित जी का मुंडा है जी. और जैसी तारीफ कर दी ना और मैं खुश हो गया समझे ना, कहने लगा अच्छा जा पेटियाँ ठोक बाहर जाके हूँ समझे जाकर के फिर पेटियाँ ठोक रहे हैं. क्या बात. अच्छा मैंने सतीश सर के बारे में ये भी सुना है कि जैसे लोग अपना पोर्टफोलियो करवाते हैं फोटोग्राफ्स भेजते हैं, उन्होंने कभी फोटो नहीं भेजते थे ना अपनी. श्याम बेनेगल साहब से भी मैंने सुना आपने फोटो नहीं थी तो आपने एक्सरे दिखा दिया उनको. वो क्या किस्सा है सर, वो हम सुनना चाहते हैं. मंडी पिक्चर की कास्टिंग हो रही थी, आप भी थे उसके अंदर, और मेरे को किडनी में स्टोन था, तो मैं वहाँ पे पास में जो हॉस्पिटल था वहाँ से अपना एक्सरे करा के आ रहा था. अच्छा. अपना स्टोन का, तो एक्सरे की रिपोर्ट लेकर के मैंने सोचा श्याम बेनेगल का ऑफिस है पास में, वहाँ चला जाता हूँ यार, मंडी की कास्टिंग चल रही है. और किसी ऑफिस में जाने की हमारी हिम्मत नहीं होती थी, पर श्याम बेनेगल जी के ऑफिस में जाने की होती कि ये स्टेज के और थिएटर के लोगों को लेते हैं. तो मैं वहाँ पे गया तो उनके एक राज असिस्टेंट थे, उन्होंने कहा बाहर बैठ जाओ थोड़ी देर. मैं बाहर बैठा रहा एक सवा घंटा, चाय वाय आ गई, चाय वाय पिलाई, बड़े मतलब रिस्पेक्ट करते थे इस तरह की एक्टर्स की. मैं अंदर जब श्याम बाबू से मिलने गया तो मैंने कहा श्याम बाबू आपने मेरे नाटक वगैरह देखे हैं, मेरे को काम दीजिए बिकॉज ये बन रही है पिक्चर बन रही है मंडी में, इसमें काफ़ी लोग ऑलरेडी कास्ट हो चुके थे, तो हमको खबर मिलती थी ना पृथ्वी थिएटर पे. हाँ. आज ये कास्ट हो गया, आज ये कास्ट हो गया था, तो इनसिक्योरिटी और बढ़ती जाती थी. तो अपना वहाँ से लेकर जब मैं पहुँचा और उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा लीव योर फोटोग्राफ विद राज और आई विल से राजपाइस. तो हाँ राजपाइस. तो मैंने कहा सर मैंने फोटो तो खिंचवाई नहीं है, पर मैंने इम्प्रोवाइज किया, फोटो तो खिंचवाई नहीं, मेरी एक्सरे रिपोर्ट्स हैं, अंदर से मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ. अंदर से बहुत गुड लुकिंग है सर, अंदर से बहुत गुड लुकिंग हूँ. तो आप जरा देखिए कुछ भी रोल, ही लाफ्ड सो मच
एंड ही सेड, उसी वक्त बोला आप यू आर एक्टिंग इन माई पिक्चर, आप बाहर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो. मैं फोटो में इसलिए नहीं खिंचवाता था क्योंकि हमको पूरा यकीन था कि फोटो देख के तो कोई आदमी लेगा नहीं हमको. ये तो पक्की बात है. अच्छा रूमी सर की फिल्मों के कुछ टाइटल बताना चाहता हूँ. इनकी फिल्मों के आप सबने देखी हैं, बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्में है ना, मुझे कुछ कहना है, पहला पहला प्यार, साजन की बाहों में, और प्यार हो गया, दुल्हन हम ले जाएंगे. फिर कुछ सालों बाद इनके टाइटल बदल गए, मैंने प्यार क्यों किया, शादी करके फंस गया. ये वाली स्क्रिप्ट शादी के बाद लिखी है आपने? अच्छा आपको मैं बड़ा कमाल का वो सुनाता हूँ. मेरी जब अरेंज मैरिज है, मेरी शादी साजिद नजरवाला की जो मदर है वो बिल्कुल मेरी लोकल गार्जियन, मेरी माँ की तरह है, तो उन्होंने मेरी शादी कराई. वो मेरी मदर इन लॉ और वो बेस्ट फ्रेंड है. तो उन्होंने देखा, अरे साजिद चले ससुराल, तुमने बड़ी अच्छी लिखी थी, कितनी कमाल का उसका स्क्रीन पे था, कैसे लिखा तुमने. दो दो बीवी को हनीमून पर ले जाता है, पड़ोस के कमरे में ठहराता है, दोनों को पता नहीं है. नतीजे लिख दिया, शादी मेरी हुई. अभी कौन से स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो बेटा? मैंने कहा बीवी नंबर वन. क्या कहानी है? मैंने कहा करिश्मा सलमान की वाइफ है और सुष्मिता से उसका अफेयर चल रहा है. अच्छा फिर अभी कौन सी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हो? मैंने कहा घर वाली बाहर वाली. इसमें क्या है? तो धीरे धीरे उनके मेरी समझ में नहीं आता, तुमको दो बीवियों के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है. पर ये सवाल हम भी पूछना चाहते हैं. इतना मतलब बीवियां बीवियां वाला कैसे आपके दिमाग में रहते हैं? मतलब भाई क्या है, ये दो बीवी इश्क एक्स्ट्रा में जिंदगी में जो नहीं कर पाया वो स्क्रीन पर करने की कोशिश करता हूं. ना कर पाया ना कर सकता हूं. ये बहुत ही नेक किस्म के आदमी रहे हैं. क्या बात. बड़ी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आती थी मुझसे, शिकायत करती थी ये आपके भाई तो इतने खूबसूरत हैं, मेरी तरफ देखते भी नहीं है, मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ. मैंने बड़े भाई की तरफ ही देख लिया. तो छोटे भाई की तरफ देखते रह गया. सर आपकी फिल्मों में कादर खान साहब भी बहुत, उन्होंने आपकी फिल्मों में काम किया है, वो खुद भी बड़े अच्छे राइटर थे. इतना मिस करते हैं कादर भाई को, खास तौर से मुझे याद है उन्होंने काफी काम करना कम कर दिया था. मैं उनसे बराबर मतलब मिलता रहता था, मुझसे मोहब्बत भी करते थे. इतना काम किया हम लोगों ने साथ में, मेरे को लगता है मेरी कम से कम 18-20 फिल्म में कादर भाई होंगे. लेकिन जो सबसे, जब मैंने मुझसे शादी करोगी में ये डुग्गल साहब का कैरेक्टर लिखा जी, तो ये बड़ा टेढ़ा कैरेक्टर था. अच्छा. तो डेविड साहब साहिद दोनों मतलब होता ना कि ये इतना टेढ़ा है, कौन इसको करेगा जो बिलीवेबल हो कि डुग्गल साहब एक दिन सुबह उठे तो अंधे हैं, एक दिन गूंगे हैं, एक दिन. तो हमने कादर भाई के अलावा कोई इसको कर नहीं सकता. और कादर भाई मतलब उस जमाने में काम बहुत कम कर दिया था, तो उन्होंने डेविड की हमारी साजिद की मोहब्बत में ही वो रोल किया और लाजवाब रोल किया. वाह क्या बात. कादर भाई मतलब हम लोग उनको बहुत मिस करते हैं, बहुत. यार भाई जरा सा उनके साथ काम करने में हमेशा. ओह बस. अच्छा मैं काजू को देख के हमेशा मेरा एक डायलॉग याद आता है. मेरी फिल्म थी वक्त हमारा है, वक्त हमारा, हाँ, जिसमें सुनील शेट्टी की फर्स्ट फिल्म थी. और तो उसमें अनुपम खेर को बहुत कंजूस दिखाया था. अच्छा. तो उसमें बड़ा अच्छा उसका वो था कि वो अक्षय फेल हो जाता है, वो बोलता है आज घर में खाना नहीं बनेगा, और देखता है कि अरुण ईरानी जो है वो काजू वो खा रही, कहता है तुम दोनों माँ बेटे जो है मिलके बर्बाद कर दोगे, फुटपाथ पे ला दोगे. तो कहती है घर में अगर दीवारें और छत ना होती, घर किसी फुटपाथ से कम नहीं है. तो कहता है शादी से पहले जैसे तू ताजमहल में रहती थी, मेरा मुँह मत खुलवा. वो बोलता है वो मुँह में काजू रख देती है. कहता ये क्या था? कहती काजू. कहता काजू ऐसा होता है. कैसे आज फिल्म इंडस्ट्री के तीन पिलर यहाँ पे आए, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. ये क्या है? मैं तीन पिलर के लिए चौथे खंबे का सहारा लेकर आई. मैं गारंटी देती हूँ ये एक खंबा ये तीन पिलर को टिका के रख सकता है. हाय सर कैसे आप लोग. मैं सच्ची में तीनों की दोस्ती देखती ना मेरे को बहुत खुशी होती है. ये तो है उनकी दोस्ती काफी. नहीं नहीं इनकी नहीं, नाला सोपारा में मेरे तीन दोस्त हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं. लेकिन आप लोग की दोस्ती तो कितनी फेमस है सर, इनकी दोस्ती के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए. बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आप लोग को देख के सर. और सर
आपका रेडियो पे शो आता है ना? हाँ देखा है यहाँ. आपका भी रेडियो पे शो आता है ना? तो आपको रेडियो पे बोलने नहीं देते क्या? नहीं, वो राइटर है, वो राइटर डायरेक्टर है ना. हाँ तो आप रेडियो पे लिख दिया करो, कोई और बोल देगा सर, उसमें क्या होगा. लेकिन रूमी भाई पहली बार हमारे शो पे आए, जोरदार तालियां. मैं सच्ची बोलती हूँ, एज अ राइटर फिल्म इंडस्ट्री में जितना रूमी भाई चले हैं ना, कोई भी नहीं चला है. कैसे? अभी हिस्ट्री उठा के देख लो. चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चलते चलते. हाँ, चलते चलते. आप लौट चले. करेक्ट. साजन चले ससुराल. चल चल अपना काम कर. चल चल अपना काम कर, ये कौन सी फिल्म है? नहीं नहीं, ये अभी मेरे को बोलेंगे चल चल अपना काम कर, उससे पहले मैंने ही बोल दिया. और अनु जी, क्या एनर्जी है सर आपके अंदर. आपकी इतनी तारीफ की मैंने. अपने बैंक से लोन दिलवाओ ना मेरे को. उनका कौन सा बैंक है? तूने विकी डोनर नहीं देखी क्या? कमाल का बैंक है इनका. अरे सर, शुक्र है विजय माल्या आपके बैंक से लोन लेके लंदन नहीं भागा, वरना लंदन की आबादी इंडिया से ज्यादा होती. लेकिन सची में अनु जी ने क्या मार्ग बनाया, क्या काम किया सर आपने टीवी पे भी. माय गॉड. अभी देखो, हम लोग के पास ज्यादा काम नहीं रहता सर, टाइम पास करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं. इन्होंने अंताक्षरी में काम ढूंढ लिया. दीवाने, परवाने, मस्ताने, बोल बोल के जितने आशियाने इन्होंने बनाए ना, किसी ने भी नहीं बनाए. कमाल है सर. आपको पता है सर, अभी मैं अंताक्षरी खेलने के लिए पांडिचेरी जा रही हूँ. तो पांडिचेरी जाने की क्या जरूरत है अंताक्षरी खेलने के लिए? अच्छा, जब हम कॉमेडी करने के लिए यूएस कैनेडा जा सकते हैं. तो मैं अंताक्षरी खेलने के लिए पांडिचेरी नहीं जा सकती. कमाल की बात है. अभी सर हम लोग का यूएस कनाडा में टूर है सर हम लोग का. सबका पब्लिसिटी करने करे क्या होता है उसमें. अच्छा सुन पप्पू, मेरे को पूछने का था. हाँ. तू यूएस कनाडा अर्चना जी को नहीं लेके जा रहा क्या? मतलब वो नहीं जा रही, वो कहीं और जा प्लान होगा. मालूम, पता तो मेरे को था, सिर्फ मैं ऐसे ही आग लगा रही थी थोड़ा इनको याद दिला के. इनको नहीं लेके जा रहे हैं. नहीं, लेकिन अर्चना जी उधर पता है क्या मेजर प्रॉब्लम क्या है? क्या? वो आपको क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, उसका एक रीजन है. हम लोग सब वर्क परमिट पे जा रहे हैं. अच्छा. और पूरी दुनिया जानती है आप तो दूसरे परमिट पे चलती हैं. लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ना उधर से फोटो वेटो खींच के भेजेंगे आपको. हाँ. तो आप लाइक करते रहना इंस्टाग्राम पे. अरे तुमने अर्चना जी को परेशान करना शुरू कर दिया. हाँ. अरे इन्होंने मेरे को बोला था कि मेरे पे तीन चार बातें कर लिया कर, मेरे चार पांच शॉट लग जाएंगे टीवी. अभी करना पड़ता है ना सर, जज को संभालना पड़ता है सर. खैर अनु जी, मेरे को एक बात बताइए ना. ये सिद्धू जी कब वापस लौटेंगे सर हमारे शो? उनको कैसे पता? अरे तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की खबर अनु जी को रहती है. तो सिद्धू जी की खबर नहीं सर आपको? अरे अनु जी का कमाल है, मैं सच्ची बोलती हूँ. अभी देखो हम लोग एक बहुत बड़े इन्फॉर्मेशन, मतलब पूरी दुनिया इनके इधर है ब्रेन के अंदर. हाँ, अभी हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, हम लोग गूगल पे सर्च मारते हैं. जब गूगल को अपने अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती ना, वो अनु कपूर जी पे सर्च मारता है. हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लोग सर इतिहास बनाते हैं. ये तो इतिहास बनाते भी हैं और इतिहास बताते भी हैं. कमाल है. अभी मैं धर्म जी का इंटरव्यू देख रही थी. धर्म जी ने अभी पिछले हफ्ते बोला कि मैं 1957 में ऐसा मुंबई आया था. इन्होंने बोला नहीं, 1957 में आपने सोचा था मुंबई आने के लिए, आप 1958 में मुंबई आए थे, दादर स्टेशन पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे. और नितेश तिवारी जो है वो उस ट्रेन का ड्राइवर था, सब बताया इन्होंने. कमाल है बाबा. और रूमी भाई कैसे हैं? फर्स्ट क्लास. आप किधर आने के कितने पैसे लेते हो सर? क्यों? क्योंकि ये जाफ्री है ना, आफ्री थोड़ी है. जाफ्री, जाफ्री. अच्छा मेरे को आपसे सर एक पर्सनल काम था. इधर इधर. ठीक है, बोलिए सर. मैं क्या बोल रही थी सर, आपने वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ पिक्चर भी लिखी थी ना? करेक्ट. छोटे मियाँ को ने खत लिखना है सर. कोई अच्छा सा खत पहुंचवाइए ना, आजकल मुझसे नाराज चल रहे हैं आपको तो. देखो
इंसान उससे नाराज होता है जिससे बहुत प्यार करता है. तुम तो उनके बच्चे की तरह नाराज हो ही नहीं सकते. टेम्परेरी फेज होगा. खैर एनीवे, अच्छा सतीश जी मेरे को ये पेट कम करने का कुछ उपाय बताओ ना. अच्छा हाँ, कौन सा उपाय है उनके पास? क्योंकि इनको तो कम करना नहीं है, कम से कम मैं तो कम करूँगा. नहीं मेरे को सच्ची में सर आप मैंने आपको बचपन से पिक्चर देख ली थी मैं. आप वो कैलेंडर बने थे, फिर पप्पू पेजर बने. थोड़ा टाइम निकाल के कूलर बनो ना, बहुत गर्मी हो गई. खैर सर आप लोग आए ना आज, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है. अभी तीनों इधर ये लोग सब स्टार लोग बैठे तो डांस तो बनता है ना सर, है ना? डांस बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना? तो सर आप लोग डांस करिए, मैं चलती हूँ. बड़ा अच्छा लगा. एक बार जोरदार तालियां अनु सर के लिए, सतीश कौशिक साहब के लिए और रूमी भाई के लिए. आइए सर. सतीश सर, रूमी सर, अनु सर, जब भी मिलते हो यादगारी रह जाता है, ऐसा माहौल बना देते हो आप. जोरदार तालियां हो जाए एक बार. और दोस्तों एक संदेश हम देना चाहते हैं कि देश में गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, उसकी वजह से मासूम पक्षी और जानवर जो हैं वो प्यास से मर रहे हैं. आप सभी से अनुरोध है कि अगर हो सके तो अपने घर के बाहर खिड़की पे या सड़क के किनारे इन मासूम पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए पीने का पानी या कुछ खाने के लिए अगर आप रख सकें तो आपको बहुत पुण्य लगेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. गुड नाइट, शुभ रात्रि. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.